We think we see and know, but in the eyes of the universe, we have barely scratched the surface. आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ का अंतर्गत गुणधर्म है, जैसे कि सूर्य पृथ्वी को पृथ्वी चंद्र को खींच के बांधे रखता है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी न्यूटन से अलग है। उसके अनुसार सूर्य में गुरुत्वाकर्षण जैसा कुछ है ही नहीं, बल्कि उसका कहना है कि अंतरिक्ष के फैब्रिक पर सूर्य एक गड्ढा करके बैठा है। यदि संक्षेप में कहे तो पृथ्वी को परिभ्रमण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण नहीं करवाता, बल्कि सूर्य का गड्ढा करवाता है। उसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये भी कहा है कि अंतरिक्ष का फैब्रिक अंतरिक्ष और समय के द्वारा बना है। आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षवाद में अंतरिक्ष और समय को केंद्र स्थान दिया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अंतरिक्ष और समय को सापेक्ष में दर्शाया गया है। एक अंतरिक्षयान स्पेस में जितना अंतर काटता है उतना ही समय में भी अंतर काटता है, ऐसा कह सकते हैं। इसके आधार पर हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक संकुचित होता हुआ तारा अपने मास और एनर्जी के द्वारा उस फैब्रिक में बहुत गहरा गड्ढा बनाकर अंतरिक्ष और समय दोनों को मरोड़ता है। मान लीजिए यदि एक अंतरिक्षयान उस गड्ढे की दिशा में यात्रा कर रहा हो और दूसरा अंतरिक्षयान उस गड्ढे से दूर यात्रा कर रहा हो, तो दूसरे यान के केस में समय स्लो नहीं होता है, लेकिन पहले यान को उस गड्ढे में गिरना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद ही वो आगे यात्रा कर सकता है। अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक ब्लैक होल में अवकाश यान के उदाहरण द्वारा देखें, तो मान लीजिए कि हमारे 10 सूर्य जितना बड़ा एक तारा अचानक ब्लैक होल में बदल जाने के बाद स्टार ट्रेक के हीरो जैसे दो व्यक्ति इसका निरीक्षण करने जाते हैं। उसमें से एक ब्लैक होल में कूद पड़ता है और दूसरा दूर अंतरिक्ष यान में ही रहता है। जैसे ही वो ब्लैक होल में कदम रखता है, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण उसके पैर खींचता है और मरोड़ता है। शरीर की तुलना में पैरों को बहुत लंबा कर देता है, ऐसा होना अनिवार्य है। अंतरिक्ष यात्री के पैर उसके सिर की तुलना में ब्लैक होल के केंद्र के करीब हैं। जैसे जैसे दूरी कम होती है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाता है। अंतरिक्ष यात्री के पैर पतले होते जाते हैं और कुछ क्षण में खेल खत्म, अवकाश यात्री ब्लैक होल में हजम। किंतु आइंस्टाइन के सापेक्षवाद को समझने के लिए हम मान ले कि ब्लैक होल में फंसे हुए अवकाश यात्री का तुरंत पतन नहीं होता। ब्लैक होल में गिरा हुआ अवकाश यात्री शुरुआत में अपने आप को वजनहीन महसूस करता है और कुछ भी असाधारण महसूस नहीं होता। जब वो अपनी घड़ी के सामने देखता है तो एक सेकंड बिल्कुल सेकंड की गति से बीत रही होती है। सांसें और हृदय की गति बिल्कुल नॉर्मल होती है। समय स्लो हुआ हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब ये सब बातें दूसरे अवकाश यान में बैठे यात्री को बताने के लिए अपनी आंखें उस ओर करता है, तो देखता है कि जैसे आकाश गंगाएं तेज गति से भाग रही है, अंतरिक्ष यान जैसे तेज गति से घूम रहा है। सब गतिविधियां उसकी घड़ी के कांटे से कई गुना तेज गति से हो रही थी, लेकिन जो अवकाश यात्री यान में बैठा है उसे ब्लैक होल में फंसे अपने साथी अवकाश यात्री का कुछ और ही नज़ारा दिख रहा था। जैसे ब्लैक होल में फंसा हुआ यात्री उसमें अटक गया हो और बिल्कुल भी हील चल न करता दिखता है। एक मिनट, एक दिन, एक हफ्ता, एक साल, एक सदी, किंतु अवकाश यात्री वहाँ का वहाँ। पर जब उसका पतन होता है तो वह यात्री कहीं भी रुके बिना इवेंट होराइजन को पार कर जाता है, तो अब उसको देखना नामुमकिन है, क्योंकि इवेंट होराइजन का बाकी के अंतरिक्ष के साथ कोई भी संपर्क नहीं होता है। और इतना ही नहीं, वो यात्री सिंगुलैरिटी नामक केंद्र में हमेशा के लिए समा जाता है, जहां सब कुछ शून्य है। अवकाश यान में बैठा यात्री उसके साथी यात्री को इवेंट होराइजन को पार करते
देख नहीं सकता, क्योंकि उस घटनाक्रम की प्रकाश किरणें उसकी आँख तक पहुँची ही नहीं है, क्योंकि वहाँ अंतरिक्ष मरोड़ने के साथ साथ समय भी स्लो हो जाता है। यदि हम मान ले कि वो यात्री इवेंट होराइजन को पार करके वापस आ सकता है या फिर घटना क्षितिज को छू के वापस आ सकता है, और ऐसा होना असंभव भी नहीं है, हो सकता है वो बाहर आए भी और आकर देखे तो शायद उसका आगमन सन 5000 में हो और उसकी खुद की उम्र बहुत कम बढ़ी हो, शायद 5 साल या 5 महीने, हो भी सकता है। ये तो थी सिर्फ सैद्धांतिक बातें, पर ब्रह्मांड में ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द कॉस्मो शो।